पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ की जमातें अगले चंद रोज में वजीर अजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश करने पर मुतफिक हो गई हैं। ताहम ताहाल ये फैसला नहीं हो पाया कि यह तहरीक कौन पेश करेगा और कब पेश करेगा। ताहाल ये भी वाज़ेह नहीं कि अगर हिजब इख्तलाफ की जमातें वजीर अजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली से मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती हैं तो क्या इसके बाद नए इंतखाबात होंगे। मुत्तहिदा हिज़्बे इख्तिलाफ़ की तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और मेंबर कौमी असम्बली एहसन इकबाल ने BBC से बात करते हुए बताया कि हिज़्बे इख्तिलाफ़ की तमाम बड़ी जमातों के दरमियान अब इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी। उनका कहना था कि पहले यह भी ज़ेर गौर था कि तहरीक अदम एतमाद पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाई जाए और फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ। ताहम अब इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी। वो कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी खतरा से निमटने के लिए यकजहती और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसके लिए जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है वज़ीर आज़म वो बनाने में नाकाम रहे हैं, वो ईवान का एतमाद खो चुके हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द ही पेश कर दी जाएगी। हमारी तैयारी मुकम्मल है, तहरीक 48 नहीं तो 72 घंटे में पेश हो जाएगी। इससे कबल मकामी ज़राया ब्लाग में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि आइंदा 48 घंटे अहम है जिनमें खुशखबरी सामने आएगी। ताहम PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जुमेरात की शाम एक तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन के जरिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी मुशावरत की। ताहम तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए हतमी तारीख का तयन नहीं हो सका। मुलाकात के बाद मकामी ज़राया ब्लाक के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तारीख का तयन जल्द कर लिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी आखिरी मराहल में है, ये फैसला हो चुका है कि तहरीक वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी। अक्सरियत हमारे साथ है, BBC से बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना था, ये हमेशा ही से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइडिया था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें अब इससे मुत्तफिक हुई हैं। उनका कहना था कि हम पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का वक्त दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक अवामी मार्च की क़यादत कर रहे हैं जो जुमेरात की शब सुबह पंजाब के शहर मुल्तान पहुंच चुका था। अवामी मार्च के दौरान एक मुकाम पर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देने के लिए 5 दिन की मोहलत दी थी। उनका कहना था कि या तो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाओ या असम्बली तोड़कर हमारा मुकाबला करो, वरना 5 रोज़ में इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त करेंगे। लोधरा के मकाम पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये जियालों की कामयाबी है कि अपोजिशन अब अदम एतमाद पर मुत्तफिक है। हमारा जमहूरी इख्तियार अदम एतमाद है। अदम एतमाद की तहरीक के तरीक़ाकार के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली एहसन इकबाल ने BBC को बताया कि तहरीक पेश करने के लिए हिजब इख्तलाफ कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त देगी। इजलास 14 रोज में तलब होगा और इसके बाद तहरीक पर कार्रवाई 7 रोज के अंदर अंदर मुकम्मल होनी होती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने BBC से बात करते हुए बताया कि अगर हिजब इख्तलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाती है तो उन्हें अपना ओहदा छोड़ना होगा। इसके बाद आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। इस जमात को 172 वोटों की अक्सरियत हासिल करनी होगी ताकि वो हुकूमत बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो सदर तीसरी जमात को दावत दे सकते हैं। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक आइन के मुताबिक सदर इस दौरान हटाए गए वज़ीर आज़म को उस वक्त तक काम जारी रखने का कह सकते हैं जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। तहम इस दौरान वो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं रखते। एक मरतबा जब अक्सरियत हासिल करने के बाद दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है तो उसके पास इख्तियार होगा कि वो असम्बली तहलील कर दे। इसके बाद नए इंतखाबात निगरान हुकूमत के तहत होंगे। आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए और कोई भी दूसरी जमात या उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो जाए तो सदर असम्बली तहलील कर सकते हैं। इसके बाद एक निगरान हुकूमत नए इंतखाबात करवाएगी। इस हवाले से PDM या हिजब इख्तलाफ की जमातों की जानिब से किसी मुतफिका या हतमी लाहे अमल का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। बाज़ जमातों का ख्याल है कि नए इंतखाबात से कबल पाकिस्तान में इंतखाबी इसलाहत करनी ज़रूरी है। ताहम BBC से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि वो चाहेंगे कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद फौरी नए इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएँ। इसके लिए इंतखाबी इसलाहत की ज़रूरत होगी जो कोई भी निगरान हुकूमत 2 हफ्ते के अंदर कर सकती है। उनका कहना था कि हमें सिर्फ ज़रूरत है कि रियासती ढांचा गैर जानबदार
तैयार रहे। हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड या बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा कि रियासती ढांचा गैर जानिबदार था, तो नतीजा आपके सामने है। तहम दूसरी जानब PPP की सैनेटर शेरी रहमान का कहना था कि उनकी जमात की तरजीह होगी कि नए इंतखाबात से कबल इंतखाबी इसलाहात मुकम्मल कर ली जाएँ। हमारी तरजीह होगी कि नए इंतखाबात करवाने से पहले मुल्क में इंतखाबी इसलाहात कर ली जाएँ, ताकि ये ना हो कि एक मरतबा फिर इंतखाबात की कानूनी हैसियत या जायज़ होने के हवाले से सवालात उठाए जाएं। उनका कहना था कि इसलाहात के इस अमल में महीनों लग सकते हैं। माजी में मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ़ एक मरतबा सैनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला चुकी है, ताहम वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। वज़ीर आज़म के खिलाफ हालिया मुमकिन तहरीक की तजवीज़ के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा आपस में भी मुशावरत करते रहे हैं और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी राबता किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ का दावा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अलावा भी उन्हें हुकूमती जमात के कई मेंबरान की हिमायत हासिल हो चुकी है। ताहम तहरीक अदम एतमाद के पेश किए जाने से लेकर इस पर कार्रवाई होने के दरमियान काफ़ी दिन होंगे। क्या हिज़्ब इख्तिलाफ़ आखिर तक ये हिमायत कायम रख पाएगी? मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि अगर लोगों को फ़ोन कॉल्स ना आई तो हिमायत हमारे साथ रहेगी। पिछली मरतबा तो लोगों को फ़ोन कॉल्स आ गई थी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ताहाल कोई वाज़े इशारा नहीं दिया गया है कि वो हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। हाल ही में खुद वज़ीर आज़म समेत हुकूमती अराकीन ने भी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। ताहम एहसन इकबाल का कहना था कि इत्तेहादी जमातों ने तो हुकूमत को भी कोई वाज़े यकीन दहानी नहीं करवाई। उनके ख्याल में हुकूमत के इत्तेहादी भी अब हिज़्ब इख्तिलाफ़ का साथ देंगे, क्योंकि ये हुकूमत अवाम में मकबूलियत खो चुकी है और ऐसी हुकूमत के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। एहसन इकबाल के ख्याल में इत्तेहादी जमातों के लिए ऐसा करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो एक गैर मकबूल हुकूमत से खुद को अलग करके आइंदा इंतखाबात में अपने लिए मौके पैदा कर सकेंगे।